हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट विद विद आर एस एम एम एंड हियर आई बैक अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस एम कॉम से टू कॉर्पोरेट फिनेंस के जो एमसीक्यूज हमने सीरीज शुरू की है उसका ये पार्ट टू है तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे एम को डिस्कस कर लिया है तो इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे बहुत सारे एम को डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट को बिल्टअअप करने वाले हैं ताकि पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते जाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिव्यूजन भी आ रहे सेम ऐप भी डाउनलोड कर ले ताकि ऐप में भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले ताकि वहाँ पे मैं इसके जो पीडीएफ्स होंगे वो वहां पे मैं शेयर करूंगा तो शुरू करेंगे आज का सेशन पार्ट सेकेंड ऑफ दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म शुड बी मेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स शॉर्ट टर्म या इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स तो आप इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे लॉन्ग टर्म असेट्स देख के लॉन्ग टर्म फंड टिक माक कर लेंगे बट वैसा नहीं है कि अगर हमको लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए फाइनेंसिंग करना है तो हम कौन से फंड्स को यूज करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करेंगे शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करेंगे डेट को यूज करेंगे या इक्विटी को यूज करेंगे वी विल बी यूजिंग वी विल बी यूजिंग दी शॉर्ट टर्म फंड शॉर्ट टर्म फंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंस तो इनमें से कौन सा फाइनेंस का फंक्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट डिविडेंट फाइनेंसिंग या प्रोडक्शन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल मैनेजर जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजर पी टाइप के फंक्शंस को फॉलो करता है और वो फंक्शंस उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक होता है हमारा डिविडेंड फंक्शन और तीसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग फंक्शन ठीक है इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है कितना डिविडेंड देना है और कहाँ से पैसा आएगा तो एलोकेशन ऑफ फंड्स फंड्रोप्रियशन ऑफ फंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं तो so, यहाँ पे अगर ऑडमैन आउट की बात करें तो ऑर्डमैन आउट आपका कौन है ऑर्डमैन आउट आपका है प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फिनेंस नेक्स्ट है आपके सामने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन द इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी जो है वो हमारा फिक्स रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम उसको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कहते हैं तो उसके लिए राइट right आंसर आपका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन हंड्रेड स्कूल डेज में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हम जो हमारा एक लाख का इन्वेस्टमेंट है इस पर अगर हम टेन परसेंट की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेट कैलकुलेशन देखें तो टेन परसेंट इसपे कितना होगा टेन थाउजेंड होगा तो अगले बार जो आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो वन लाख टेन थाउजेंड के ऊपर टेन परसेंट मिलेगा एंड दैट विल बी इलेवन थाउजेंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है दैट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर शेयर होल्डर्स इक्विटी डज नॉट इंक्लूड तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो शेयर होल्डर फंड्स की अगर बात करें तो वो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए हाउ डू बी कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी शेयर कैपिटल फिर उसमें हम ऐड करते हैं हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर उस उसमें हम ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस और उसमें से हम लेस करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दैट विल बी योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इशू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस तो वी आर गोइंग टू ऐड एंड वी आर गोइंग टू डिडक्ट दिस वन तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो शेयर होल्डर फंड मिलेगा तो इक्विटी होता है प्रेफरेंस होता है रिजर्व होता है और मिसलेनियस भी होता है इक्विटी होता है रिजर्व

सोर्सेस यूज करने वाले हैं उसके लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट किसके लिए है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कॉस्ट आपका होता है के ई e. का विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे सस्ता कौन सा सोर्स uh, है सबसे सस्ता है हमारा के डी दैट इज द डिवेंचर्स बिकॉज इसमें हमें इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता है और टैक्स का भी बेनिफिट इसमें हमें मिलता है दैट इज वाई के डी इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लविंग बैक ऑफ द प्रॉफिट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड रिटेनिंग प्रॉफिट्स री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट या बिल्डिंग रिजर्व देखो प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि हम जो तो प्रॉफिट्स है वो रिटेन करके हमारे पास रखे तो राइट एंड द दोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रिटेनिंग प्रॉफिट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इिवेंस थियरी ऑफ डिविडेंट वॉज सपोर्टेड बाय तो डिविडेंट डिस मॉडल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक है आपका रिलिवेंट और दूसरा है आपका इ रिलीवेंट ठीक है काफी है। तो रिलीवेंट और रिलीवेंट ऐसे पॉइंट है। अगर हम रिलीवेंट की बात करें रिलीवेंट में कौन से आते हैं आपके गॉर्डन्स मॉडल आता है वॉल्ट्रस मॉडल आता है यह आपका रिलीवेंट अप्रोच है मतलब डिविडेंड देने का फर्म के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा डिविडेंड अगर आप दोगे तो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ऐसे गुड ऐसे जो तो हमारे गॉर्डन और वॉल्टर का मॉडल है वो कहता है एंड एम एम जो मॉडल है एम एम दैट इज मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच या मॉडिग्लिनी मिलर मॉडल ये कहता है कि डिविडेंड देने का वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर सीधा अर्निंग्स का इम्पैक्ट पड़ता है ऐसा इ मॉडल कहता है दैट इज द मॉडिग्लिनी मिलर का मॉडल तो यहाँ पे इ की बात कर रहे हैं मतलब हमारा राइट right आंसर कौन सा बनेगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एम एम मॉडल दैट इज मॉडिग्लिनी मिलर नेक्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज इज यूज टू मेशर फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क मार्केट रिस्क या इकोनॉमिक रिस्क तो देखो लिवरेजेस में तीन टाइप के लिवरेजेस मैंने आपको बताए थे लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी आए थे एक है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज एक है आपका फाइनेंशियल लिवरेज और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड तो लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज किसके लिए होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनमें से कौन सा रिस्क को मेशर करता है ऑपरेटिंग लि जो लिवरेज होता है वो करता है फाइनेंशियल रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क इज बीन बाय द ऑपरेटिंग लिवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ध्यान से इसको देखते हैं पहले इफ द ऑपरेटिंग लिवरेज इज वन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स एंड बी सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूं ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाईटी फिर सेकेंड हमारा होता है फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है ई डिवाइडेड बाय पीबीटी बी टी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है ई और ई बी आई कैंसिल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी बी के लिए एक शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइनेंशियल लीवरेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिलेगा अभी अगर ये क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो वी डोंट हैव कॉन्ट्रीब्यूशन we वी आर हैविंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंस वी आर नॉट anything अवेलेबल वी आर गोइंग टू यूज दिस वन दैट विल बी ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज से मल्टीप्लाई करें वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.26 पॉइंट इंटू वन पॉइंट करेंगे तो आपको राइट right आंसर मिलेगा 1.29 पॉइंट ट्वेंटी नाइन दैट विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर बात करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कम होना चाहिए और जो आपका फाइनेंशियल लिवरेज है वो हाई होना वेन एवर यूर ऑपरेटिंग लिवरेज इज लो एंड द फाइनेंशियल लिवरेज इज हाई यू विल बी सींग एन आइडियल सिचुएशन एंड दैट द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट मीन्स फर्म तभी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है तो राइट आंसर आपका बनेगा लो ऑपरेटिंग एंड हाई फाइनेंशियल लिवरेज तो दिज आर द क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस टूडे अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर ले और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले ऐप डाउनलोड कर ले ताकि आपको बहुत सारी चीजें अभी ऐप के ऊपर टेलीग्राम के चैनल के ऊपर फ्री में मिलने वाली है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर